फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है एक दूसरे अनदर ब्लॉग पे। तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ कड़ाईकुंडा पे आया हूँ, मतलब हम लोगों का यहाँ लेयर का जो शोरूम है अभी उनका, उसका जो मतलब यहाँ पे भी एक शोरूम है, हमने जहाँ से गाड़ी लिए थे उसका ही एक ब्रांच है यहाँ पे। तो गाड़ी में वो जो ADC का लाइट जल रहा था उसी को दिखाने के लिए आए हैं। ये रहा वहाँ अंदर शोरूम है, अशोक लेलैंड अभियान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, और इधर JCB का भी शोरूम है यहाँ पे। पहले भी ये शोरूम देखा होगा, कलाईकुंडा के पास पड़ेगा ये शोरूम। है गाइस, तो अभी दोपहर का 12:30 बज रहा है, 1 बज रहा है, और गाड़ी को यहाँ कंपनी के अंदर किए हैं, यहाँ पे रीजनरेशन किया है और सब टायर वगैरह सब कुछ अपडेट करके दिया है। बहुत सारा देख सकते हैं गाड़ी है, ये भी एक्सीडेंट गाड़ी है, और मेरा गाड़ी के उस पार भी एक्सीडेंट गाड़ी है, ये भी एक्सीडेंट गाड़ी है, बहुत सारा एक्सीडेंट गाड़ी है यहाँ पे। इसका वर्कशॉप है, ये शोरूम तो आप पहले भी देख चुके होंगे मेरे ब्लॉग पे। उधर भी एक्सीडेंट हाईवा है, उधर सोला जगह बहुत सारा एक्सीडेंट गाड़ी है। इधर का ही लोकल का ही सब गाड़ी है, मतलब जड़ग्राम मैनापुर सब। तो चलिए देखते हैं काम कब तक ख़त्म होता है। तो चलिए, काम हम लोग का ख़त्म हो चुका है, अभी निकलेंगे। मेरा बिल और रेड ब्लू भी यहाँ पे लूज रेड ब्लू डलवा लिए हैं, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। हे गाइस, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, काम ख़त्म हो चुका है, और मीटर पे जो सिंगल रूट दिखा रहा था वो भी बंद हो चुका है, और रेड ब्लू भी फुल कर लिए हैं। और यहाँ शोरूम से खाना खाने के लिए यहाँ टोकन दिया था, यहाँ बाहर एक होटल है वहीं का खाने का टोकन दिया था। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। आज मेरा भाई वो नहीं है, मेरा खुद का भाई है, उसको लेके आए हैं। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। मीटर पर देख सकते हैं कुछ भी लिखा नहीं है, चलिए निकलते हैं अभी यहाँ से। यहाँ यही से एड ब्लू डलवाए हैं, तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। तो शोरूम से निकल के आ गए हम, यहाँ बैनापुर रेलगेट में यहाँ आके रुके हैं, क्योंकि आगे रेलगेट पड़ा हुआ है इसीलिए रुके हैं। और फिर से हम वहाँ सुप्रीम में जा रहे हैं, मतलब मैं पहले कभी गया नहीं, वो मेरा जो भाई जो चला रहा था वो गया था लोडिंग करने के लिए 2 ट्रिप। और फिर से हम मालदा के लिए लोडिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले सिलीगुड़ी गया था, लेकिन इस ट्रिप में गाड़ी मालदा जाएगा। तो मालदा से अगर एक भाई तो है उधर का ही, और भी कोई अगर है तो कमेंट में बताना प्लीज़। अभी यहाँ रेल गेट में रुके हैं, यहाँ बैनापुर का रेल गेट में रुके हैं। यहाँ से ये बड़ा जो रास्ता है, मतलब हम अंदर से होके जा रहे हैं, तो यहाँ मकरामपुर में जो टोल पड़ता है, मतलब हाईवे से टोल पड़ता है, इसीलिए हम उस साइड से नहीं गए हैं। छोटा गाड़ी हम लोगों का बचत कम रहता है, इसीलिए हम लोग मतलब 2-4 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है इस और ये रास्ता भी अच्छा है, टोल भी बच जाएगा, इसलिए यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ से हाईवे पे चढ़ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर ही होगा, 10-12 किलोमीटर भी ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम होगा। तो रेड ब्लू भी फुल कर लिए वहाँ शोरूम में देखे, और जितना भी सिंगल था सब बंद हो गया, ये तो हैंड ब्रेक का है। चलिए, उधर कंपनी में तो फ़ोन वहाँ जमा कर लेता है, वहाँ एकदम कंपनी से निकल के ही उसके बाद ही आपसे मिलते हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं, यहाँ ट्रेन रेल गेट उड़ेगा तो उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। द नेक्स्ट डे गाइस, तो लोड करके तो कल रात को ही निकल चुके थे, और अभी हम यहाँ अपने घर के पास यहाँ बस स्टॉपेज में यहाँ खड़े हैं, क्योंकि जो हेल्पर था वो आने वाला था, लेकिन वो अभी बोल रहा है कि नहीं आएगा। तो मेरा भाई, उसको तो मैंने घर भेज दिया था, उसको फिर से बुलाया है, वो आ रहा है, मतलब यहीं से वो घर गया है। तो भाई का जो हेल्पर था वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए मेरा भाई आ रहा है, और हम लोगों का
पानी का टैंक ही वो लोड हुआ है, सुप्रीम का जो पानी का टैंक है पीछे देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इधर, बाकी आपको उतार के दिखाते हैं। ज़्यादा माल नहीं है भाई, माल आपका मेरा गाड़ी का माल हुआ है सब कुछ मिला के, मतलब टैंकी उसका जो ढक्कन और उसका मतलब सेटिंग जो है सब कुछ मिला के माल हुआ है वही कुछ 800 किलो के करीब ऐसा ही माल हुआ है। तो पूरी गाड़ी में भाई सोच सकते हैं 12 टन के पासिंग में सिर्फ 800 किलो माल, ऐसा चलता रहेगा तो भाई गाड़ी मतलब एकदम क्या ही बोले, तंदुरुस्त रहेगा एकदम। तो चलिए आपको दिखा दें, ये देखिए माल टोटल 29 टैंकी है, 500 लीटर का भी है, 1000 लीटर का भी है और 750 लीटर का भी है, बहुत सारा ग्रीन ब्लू सफ़ेद मतलब बहुत सारा कलर का है। और ये तो मेन हाईवे है कलकत्ता टू मुंबई हाईवे, ये वाला रास्ता इधर सीधा मुंबई की तरफ गया है और उधर कलकत्ता की तरफ, और ये रास्ता तो मेरा घर की तरफ गया है, उस सीधा पे मेरा घर पड़ेगा इसी तरफ। तो चलिए मेरा भाई आ रहा है, वो आएगा तो फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। क्या लेके जा रहा है भाई, देखो लैम्बोर्गिनी लगता है, ठीक से मालूम नहीं है, अचानक देखा आ गया मेरा भाई, वो आ रहा है, अभी तक तो आया नहीं है, यहीं पे हम रुके हुए हैं घर के पास। और खेती बाड़ी का काम हम हमारे गांव में ज़ोरदार से चल रहा है, देख सकते हैं पूरा एकदम गांव हरा भरा हो चुका है। हे गाइस, तो यहाँ दुबराजपुर से पहले यहाँ पे रुके थे, यहाँ होटल पे रुके हैं, अभी तो नहाया है, अभी ड्रेस पहन ले उसके बाद ही खाना वाना खाएंगे, पीछे रहा होटल माँ तारा। तो चलिए इधर लॉक खोल दिया है, उधर भी चलिए लॉक खोल दे। कल रात को उधर खाना वाना खा के भाई पेट पूरा ख़राब हो गया है, हालत एकदम ख़राब है, क्या ही बोले, मतलब कुछ बोलने के लायक है ही नहीं, ऐसा हालत हो गया है। चलिए पहले इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो आज हमने पहन लिया है अपना पूरा यूनिफॉर्म, देख सकते हैं एकदम नीचे से ऊपर तक एकदम यूनिफॉर्म में है, हम लोगों का ड्राइवर का जो यूनिफॉर्म होता है वही पहने हैं। और अभी तो खाना खाने के लिए जाएंगे, अभी पीछे ही मेरा होटल, तो दुबराजपुर घुसने से पहले 8 किलोमीटर आगे ये होटल है। तो चलिए अभी खाना वाना खा लेते हैं पहले। तो चलिए खाना पीना हो चुका है, अभी निकलेंगे यहाँ से। अभी यहाँ से एकदम सफ़र कंटिन्यू पकड़ेंगे, एकदम मोरग्राम मतलब हाईवे पे एकदम चढ़ के ही रुकेंगे, उससे आगे नहीं और नहीं रुकेंगे। और उधर सिवड़ी में रात को जाम लगता है, इसीलिए सिवड़ी जल्दी पार करना होगा, वरना सिवड़ी में अगर जाम लग जाएगा तो भाई एकदम खेल हो जाएगा वहीं पे। तो इसीलिए मतलब शाम होने से पहले हमको सिवड़ी पार करना होगा। तो चलिए अभी तो टाइम हो रहा है शाम का, शाम नहीं मतलब दोपहर का 3 बज रहा है, मिल लेते हैं। ठंडा था भाई अचानक, मतलब ठंडा चलते चलते अचानक गर्मी आ गया, क्या ही बोले। तो
चलिए अभी निकलेंगे यहाँ से, और मेरा भाई वो पानी लाने गया है, पीने का पानी लाने गया है। मोबाइल पे चार्ज भी नहीं है, चार्ज भी लगाना है। तो चलिए चलते हैं, आगे जाके मिलते हैं आपसे। तो चलिए सफ़र को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। हे गाइस, तो अभी मोरग्राम हाईवे पे आके चढ़ गए हैं। यहाँ मोरग्राम हाईवे पे मतलब आके जस्ट मिक्स हुए हैं यहीं पे। पीछे उधर से हम आए हैं और इधर हमको जाना है। इधर आपका मालदा गया है, आगे वो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे शीशा वगैरह सब कुछ साफ करेंगे, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन अभी भी 170 किलोमीटर के करीब अभी भी दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ से शीशा वीशा साफ करके फिर निकलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग। तो रात को आके यहाँ फरक्का ब्रिज पार करके यहाँ कुछ धुलियाना सिंह जी का होटल है, यहाँ पे आके रुके थे। और यहाँ इंडियन ऑयल पम्प भी है, तो यहाँ पे आके रात को रुके थे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 6:10 हो रहा है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अभी। इधर है हम लोगों का गाड़ी और ये रहा हाईवे। उधर से हम आए, उधर पीछे जस्ट 2-3 किलोमीटर पीछे ही फरक्का ब्रिज है। मैं फरक्का ब्रिज नहीं, सॉरी, टोल है, उसके बाद फरक्का ब्रिज है। तो हमको इधर जाना है, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से अभी। ये इंडियन ऑयल पम्प है और ये यहीं पे होटल है, पूरा होटल। रात को उसी होटल पे हमने खाना खाया था। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। हे गाइस, तो चलिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है सुबह का, 9:30 बज रहा है और हम पहुँच चुके हैं हरिश्चंद्रापुर, इस जगह का नाम है। यहीं पे ही अंदर पे ही माल खाली होगा, गोडाउन है सब, पीछे भी है, तो यहीं पे खाली होगा। इसी के साथ चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरा अंदर ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप सबसे अब सब अच्छे से रहना, और मालदा हरिश्चंद्रपुर यहाँ का कोई अगर भाई है तो कमेंट करना और लाइक शेयर करना ना भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है दूसरे अनदर ब्लॉग पे एंड गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो गाड़ी हम लोगों का खाली हो चुका है और लोडिंग का प्रोग्राम भी हो चुका है। इटहार से प्लाई लोड होगा वहाँ हल्दिया में सदा के लिए। तो अभी यहाँ रुके हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ एक मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहीं पे रुके हैं। मेरा रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया ही बनाया है, तो देखते हैं क्या नाश्ता मिलता है इधर। हे गाइस, तो इस बार नाश्ता कुछ नहीं मिला है, खाते खाते चलेंगे भाई। तो चलिए फ्लाई लोड होगा मेसदा के लिए, चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से।